तो मैंने लाइट भी चेंज करा दी है इसमें। ये जो लाइट लगी थी मैंने करोल बाग से कराई थी, आपने देखा होगा वो लिंक ग्लोबल वाले के यहाँ से बेकार लाइट लगाई थी उसमें, ये लाइट भी चेंज करा दी है मैंने। अब इसमें लाइट लग जाएंगी, हैंडल का काम हो गया है, ये वाला टॉप बॉक्स में लगवा रहा हूँ। इसमें यहाँ पर एक बैकरेस्ट लग जाएगी जो कि बिल्कुल बढ़िया रहेगा ताकि कोई पीछे बैठे तो उसको दिक्कत ना हो, ये बैकरेस्ट यहाँ पर लग जाएगी। तो यहाँ पर एक होल होगा, टॉप ऑफ के काम ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। ये देखिए कवर बन गया है, इसको भैया ये ढक रहे हैं। तो यार लाइट्स हमारी लग रही हैं अभी, ये चेंज करा दे रहा हूँ, जो लाइट्स पहले लगी थी ये मैं लगा लूँगा अपने प्लेटिना में आकर के यहाँ पे, तो लाइट्स भी हमारी लग जाएंगी अभी। और बहुत ही सुंदर लग रही है गाड़ी हमारी यहाँ से। तो यार अभी हमारा स्टैंड जो है सॉरी हैंडल लग के रेडी हो गया है भैया, इसमें इधर क्लच सॉरी ब्रेक लगा रहे हैं, तो फिट कर रहे हैं। यहाँ पे लाइट्स हमने लगा ली हैं, लाइट्स भी हमारी बढ़िया लगी हुई हैं, नई नई बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। और इस बार वायरिंग का काम बहुत अच्छा होगा क्योंकि हमें ट्रस्ट है इन पर। और ये लाइट जो हमने लगवाई थी ग्लोबल वाले के वहाँ से वो निकलवा के फेंक दी हैं। आपको कहीं वायरिंग नज़र आ रही है ना, कहीं भी नज़र नहीं आएगी वायरिंग, क्योंकि इतनी सफाई से काम हुआ है। और लास्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस इतना गंदा गया था ग्लोब में करोल बाग में कि मैं बता नहीं सकता। इस बार आपको कहीं शो भी नहीं होगी कि कहीं वायरिंग दिख रही है। देख लीजिए 10 बार दुकान का नाम। अगर मैं आपको बताऊं पूरा वन बाय वन, तो हमने आज ये लोगो लगवाया, लाइट्स लगवाई नीचे की और ऊपर की, पूरी वायरिंग बिल्कुल कंडीशनली हुई है, बिल्कुल साफ़ सुथरी। हमने ये हैंड गार्ड लगवा दिए सपोर्ट के लिए चेंज करा करके। ये हमारा लेग गार्ड जो है ये देखें क्रैश गार्ड, ये बिल्कुल परफेक्ट लगा है यहाँ पर। और साथ ही साथ में यहाँ पर हमारा देखिए ये एकदम परफेक्ट वाला सैडल स्टेज है कि कहीं पर से भी आपको उबड़ खाबड़ नहीं लग रहा होगा। और ये लग रहा है टॉप बॉक्स विद टॉप रैक है ना ये। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक्सटेंड कर दी अपनी गद्दी को थोड़ा सा, ये हमारी गद्दी एक्सटेंड हो गई है। और ये हैंडल चेंज हुआ है मेरा, पुराना वाला हैंडल जो है वो शायद वो पड़ा, अब ये हैंडल लग गया है जो कि अब स्प्रेट कर रहा है। माउंट भी लग जाएगा मेरा यहाँ पर, ये स्विच यहाँ पर इसके कंट्रोलिंग के लिए है। देखिए आपको दिखाता हूँ कैसी लाइट्स हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम लाइट ब्लिंक कर रही है। और काफ़ी सारी टाइप की हैं भैया देखो कर रहे हैं अभी, ये रेड आ जाएगा यहाँ पर ब्लिंक करके। नीचे रिंग लाइट आपको दिख रही है, ऐसी बहुत सारी ऑप्शन हैं। ये देखिए रिंग लाइट, ये एकदम हजार्ड हो जाएगा यहाँ पर पूरा। ये फॉग लैंप ये वाइट है, और ये वाइट एंड येलो है, और ये रेड है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, बिल्कुल मस्त तरीके से फिनिशिंग हुई है। सिंपली देख लो आप साई कार पहले, ये आप ध्यान रखना नंबर और ये एड्रेस पूरा, मैं आपको एड्रेस वगैरह सब भेज दूँगा। बिल्कुल ऑन रोड पर ही है शॉप, आपको बिल्कुल जिसका वो है डाल दूँगा। आप देख लीजिए यहाँ पर आंधी बहुत तेज़ चल रही है, बारिश का मौसम हो गया है। तो ये शॉप है यहाँ पे भैया आपको मिल जाएंगे नहीं। सो भैया कैसा लगा आपको एक्सप्रेस में काम करने के बाद, इस वाली जो हमारी रेडी हुई है? सर मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, आप बताओ आप ऑल द वे गाजियाबाद से आए हो, मतलब समझ लीजिए तीसरा राउंड था मेरा। सबसे पहले मैंने करोल बाग में काम कराया, नाम नहीं लूंगा आपको तो दिखी है वीडियो को, वहाँ पे गंदा एक्सपीरियंस रहा। फिर मैंने गुप्ता बाइकर्स गाजियाबाद में काम कराया, वहाँ पे भी समझ नहीं, क्योंकि एक्सपल्स में पार्ट्स मिल जाएंगे, मैकेनिक मिलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर जो मैकेनिक भैया ने मुझे प्रोवाइड करा है वो सच में बहुत अच्छे थे, तो बड़ा मज़ा आया मुझे यहाँ पर काम कराने के। जो भी पैसे मैंने दिए वो वर्थ थे भैया। हेलो, एक नंबर काम किया है, ये आपको ज़रूर मिलेंगे जब आप यहाँ पर काम कराने आओगे। और कार का भी सामान है, बाइक का भी सामान है, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, और विद प्रॉपर तरीके से। देखिए बारिश हो रही है लेकिन भैया ने क्या कर रखा है, टेंट लगाया है, उसके बाद में काम कर रहे हैं, मतलब अपने मैकेनिक्स की भी पूरी केयर करते हैं भैया। सो बहुत अच्छा नेचर लगा मुझे यहाँ पे, बड़ा मज़ा आया। तो भैया अभी मैं आपका डिटेल्स वगैरह सब शेयर कर दूँगा और सब लोग आएंगे। मैं कुछ अपना चैनल वगैरह प्रमोट नहीं कर रहा क्योंकि मेरा तो अभी स्टार्टिंग है, तो यहाँ पर आकर के अपना एक्सपल्स में काम करा लेंगे, ठीक है भैया? तो यार अभी जब मैं घर के अंदर आया मैंने अपनी बालकनी को देखा तो मेरे ये प्लांट्स नीचे गिर गए थे, ये सब पीछे की तरफ भागा है। और ये देखिए ये बेचारा प्लांट्स टूट गया मेरा, सामने देख रहा हूँ आपको व्यू दिख रहा होगा, इतना ज़्यादा क्लियर हो गया है बारिश की वजह से कि दूर दूर तक दिख रहा है। और ये सब गीला हो गया है, अब इसको कल मैं सही करूँगा तो धूप निकलेगी, लाइट भी नहीं आ रही है। तो ये मेरा वर्किंग स्टेशन है, अब मैं आ करके अपनी चेयर पे बैठ गया हूँ। यहाँ से बाहर का जो नज़ारा दिख रहा है ना बहुत अच्छा दिख रहा है इस टाइम, एकदम से क्लीन पूरा वेदर हो रखा है, दूर तक वो लाइट्स दिख रही हैं। और अभी लाइट हमारे अपार्टमेंट में नहीं आ रही है, सो अभी मैंने इमरजेंसी लाइट लगा रखी है,
तो जल्दी से लाइट आ जाए। तब तक के लिए ये है कि आपको मेरा फेस आ रहा है ना, पता नहीं, हाँ देखता हूँ शीशे में, हल्का हल्का आ रहा है, अब थोड़ा आ रहा होगा। तो अभी आपने ये देख लिया, जो भी डिटेल्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी हैं। बहुत ही अच्छा काम हुआ है मेरी बाइक में। तो जो लोग एक्सपल्स है जिनके पास, या फिर वॉट एवर कोई भी स्पोर्ट्स बाइक है या फिर एडवेंचर बाइक है, तो आपको अगर उसमें काम कराना है तो आप जो लोकेशन मैंने दी है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स हैं और जो भी शॉप का नाम मैंने डाला है, वहाँ पर ज़रूर जाकर एक बार विज़िट करके देख लें। मैं मुझे कोई वहाँ से कुछ मिला नहीं है ऐसा, बट काम बहुत अच्छा हुआ। जो भैया वहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब आपको प्रोवाइड कराएंगे, उनको उनका पैशन नहीं है, तो काम बहुत अच्छा करके देंगे वो। बहुत अच्छा काम हुआ है बाइक में। बाकी आप ट्रिप्स के लिए रेडी हो जाइए। अभी मेरा आपको गुजरात वाला कंप्लीट व्लॉग आना बाकी है, वो भी इस वीडियो के बाद आ जाएगा। टिल देन अभी यही है मेरे पास, तो अब नेक्स्ट के लिए आप रेडी हो जाइए, बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। आपने अगर ये व्लॉग देखा तो लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा, और अगर आप नए हैं तो आप बस, यही है मेरे पास, जो भी मेरी लाइफ में चलता है मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ में। ऐसे आगे करता रहूँगा।